वक्त जब आंखें फेर लेता है, तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। सच इंसान की सोच को खालिस बनाता है, जब सोच खालिस हो जाती है तो अमल और किरदार खुद ब खुद खालिस हो जाते हैं। हिम्मत कभी ना हारे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। एक वफादार हलाल औरत हजार खूबसूरत ना मुहर्रम औरतों से बेहतर है। यकीन माने सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सुनाने वालों की बुनियादें हिला देती है। अल्लाह ताला को जुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। जिंदगी ये नहीं कि आप कितने अमीर, कितने मशहूर और कितने दिलकश हैं, जिंदगी ये है कि आप कितने बकील, कितने आजिज और कितने मेहरबान हैं। हर शख्स को आपकी जरूरत है, अपनी जरूरत तक। भरवसे बहुत टूटे हैं, लेकिन भरवसे की आदत नहीं टूटी। फिला का बेटा लाख कमा रहा है, फलाने के बेटे की 2 लाख तनख्वाह है, फलाने ने कोठी बंगला बना लिया है। इस सोच से निकले, रब ने जो दिया है उस पर शुक्र करें। मुनाफिक की 100 जुबाने होती है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की खुशियां खराब मत करें। अल्लाह के इश्क में एक मकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह अता कर देता है। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। जो बातें आपको हर्ट कर रही होती है, समझे वो सबक दे रही होती है कि आप कभी किसी से वो बातें ना करें। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होता है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, और अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो आपको अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। खाने में कोई जहर डाल दे तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे तो उसका इलाज नहीं है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफरत या किसी का बुरा सोच कर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। जहां हम महफिल में बैठकर मजे से किसी गैर मौजूद शख्स की
बुराइयां बयान करते हैं। यकीन माने वहां से उठते ही हमारी बुराइयां शुरू हो जाती है। हम जरूरत के वक्त जरूरतमंद बन जाते हैं और जरूरत खत्म होते ही गैरतमंद बन जाते हैं, लेकिन कभी भी एहसान मंद नहीं बनते। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत से मोहब्बत और एहसास करने वाले ही क्यों ना हो। दिल के दरवाजे कभी भी मुकम्मल बंद ना करें। गलतियां इंसानों से ही होती है। बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें दरवाजे बंद ही मिलते हैं। सारी जिंदगी कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं, कैसे मरा। गुस्से में खामोशी के चंद लम्हात पछतावों के हजारों लम्हात से बेहतर है। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं। मोहतात में उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ रहते हुए जहन में बुग्ज और नफरत रखते हैं। हंसते रहा करें, हमने कौन सा यहाँ सदियां गुजारनी है। इबलीस की गलती ये थी कि मैं आदम से बेहतर हूँ, और ये बीमारी हर इंसान की रूह में है। बांटने से माल इसी तरह बढ़ता है जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, अल्लाह उससे नुकसान पहुंचाएगा, और जो दूसरे को तकलीफ दे, अल्लाह ताला उससे तकलीफ देगा। मुनाफिक इंसान को आप चाहे जितने भी मीठे फल खिलाओ, मगर फिर भी वो आपको काट ही देगा। इंसान को तोड़ने छोड़ने और गिराने के कई तरीके हैं, मगर उसे पाने बनाने और संवारने का सिर्फ एक तरीका है, और वो मोहब्बत है। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे के मैं आपके साथ हूँ, तो आप तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो आप उसको मामूली क्यों समझते हैं। अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना जरूरी है। दौलत से इंसान को जो इज्जत मिलती है, वो उसकी नहीं दौलत की इज्जत होती है। जैसे ही दौलत खत्म, इज्जत भी खत्म। महबूबे हकीकी को कोई तलाश नहीं करता जब तक के वो खुद उसे अपनी तलाश ना दे। सो अगर तुम्हें उनकी तलाश अता हुई है, तो जान लो के उससे भी तुम्हारी तलाश है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है, ताकि हम खाले के हकीकी के ताल्लुक को समझें। हकीकत तो ये है, अल्लाह के सिवा हर सहारा कमजोर और आर्जी है। कितना बेसकून हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका खो भी नहीं सकता। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज,
सुला रहमी हमदर्दी और भाईचारा है, ना के उसकी जाहरी शक्ल सूरत। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पांव फिसल जाए तो पूरा घराना मुंह के बल गिरता है। औरत की मैयत को ना मुहर्रम नहीं देख सकता तो जिंदा औरत इस जवाज के तहत अपनी नुमाइश करती फिरती है। बात कड़वी जरूर है मगर काबिले गौर है। लोगों के साथ नेकी करना गनीमत फायदा बख्शे। आजजी अख्तियार करें क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर खत्म हो जाती है। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ करना बेहतरीन नेकी है। पैसा आ जाना, मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं होती। 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी है। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। वहाँ बैठकर रोना दिल को बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह पाक के सिवा आंसुओं को देखने वाला कोई ना हो। जिस दिल में सवाब का शौक और अजाब का खौफ पैदा हो जाता है, जन्नत खुद उसकी मुंतजर हो जाती है। कभी हम ऐसे थे जैसे आज तुम हो और कल तुम ऐसे हो जाओगे जैसे आज हम हैं। 2 किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागीर दूसरा मुनाफिक। मेरे नज़दीक जिंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को मसरूफ कर लिया जाए। अच्छा वक्त गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहा है, माशाल्लाह बेहतरीन गुजरेगा इंशाल्लाह। दुआ तवज्जा उम्मीद और अल्लाह का जिक्र इंसान को बड़ा कर देता है।